केसरी, मैं हूँ इशिका गुप्ता। कोरोना के मामले तेजी से फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,552 नए मामले सामने आए। इससे पहले मंगलवार को 7,633 केस मिले, यानी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38% केस बढ़े हैं। महामारी देश भर में पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की जान ले चुकी है। इससे एक दिन पहले कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई थी। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र देश के सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य बन गए हैं। जहां केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,041 मामले सामने आए, तो दिल्ली में 1,500, महाराष्ट्र में 900 और वहीं साथ ही साथ कर्नाटक में 300, तमिलनाडु में 500 और यूपी में 1,800 के लगभग केस मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। राज्य में कोविड के 940 नए मामले सामने आए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। मौजूदा समय में कोविड का प्रमुख रूप ओमिक्रॉन से ज्यादातर मरीज पीड़ित है। बता दें, आंकड़ों के मुताबिक 680 मामले इस वेरिएंट के हैं। इस वेरिएंट से 4 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, आज यानी 18 अप्रैल तक 600 से ज्यादा एक्टिव केस भी देश में देखे जा रहे हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।